सुन तो लू जितने सेलिब्रिटीज हैं वो नाम देने से बच रहे हैं, सपोर्ट करने से बच रहे हैं, ऐसे में आप पूरा समर्थन दे रहे हैं मोदी जी को, बीजेपी के साथ पकड़े, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आपको आप कहीं ना कहीं स्टिग्मा बन रहे हैं और आपका नाम जोड़ा जाएगा लोगों से? यार मैं एक चीज में विश्वास करता हूँ कि अगर आपके सिद्धांत हैं, आपके बिलीफ्स हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके वैल्यूज हैं, तो उससे फिर ये पॉलिटिकल करेक्टनेस में, ये डिप्लोमेसी में डरना क्या है? मुझे लगता है कि अगर आप सचमुच में विश्वास करते हैं किसी चीज़ में तो उसे बोलिए। और मैंने हमेशा चाहे उसका जो भी भरपाई मुझे करनी पड़ी अपने करियर में भी, हमेशा सच बोला है। मुझे लगा जो जो सही है वो सही है, तो इसी चीज़ में मैं विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल डर तो दूर की बात, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने इस देश के। जिस तरह से आज इनवाइट किया गया, ऐसे अगर आगे भी इनवाइट किया जाए बीजेपी की तरफ से, तो क्या आप इस तरह से उन्हें प्रमोट करेंगे और आगे अपनी समर्थन देंगे? जरूर, हम जब किसी का साथ देते हैं तो आगे तक देते हैं। ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, करवा के रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है, बट ये ज़रूर चाहूँगा कि मोदी साहब के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आए, तो ख़ासकर जो मैं पिछले 7-8 साल से औरतों के, लड़कियों के उत्थान के लिए जो काम कर रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स, खासकर जो बहुत ही निचले वर्ग से आती हैं, आर्थिक वर्ग से आती हैं, वेरी वेरी अंडर प्रिविलेज जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनके लिए जो खास स्कीम्स लगने चाहिए, जो एक्चुअली हों, जो पेपर पे ना हो बल्कि एक्चुअल स्कीम्स हों जिससे बहुत फ़र्क पड़े, मैं चाहूँगा कि ये मेरी ये गुजारिश ज़रूर वो माने और इसमें सपोर्ट दें। आप देवेंद्र भाई से भी पूछे या कुछ? नहीं नहीं नहीं, कोई जो आपको पूछना है वो मुझे जवाब नहीं देना, जो आपको पूछना है मुझे जवाब नहीं देना, बस स्टॉप स्टॉप राइट नाउ। गोपाल भाई कैसे हैं आप? सब बढ़िया। आपका क्या कहना है गोपाल भाई? चलिए ओके गाइस बाय। ये जो वोट फॉर इंडिया कैंपेन है, इस कैंपेन के लिए दौड़ रहा है, इसके पीछे मिशन है। आज मोदी जी ने यह कहा है कि दल के लिए नहीं, देश के लिए मतदान कीजिए, क्योंकि देश को तरक्की पसंद सरकार की आवश्यकता है। 10 साल में जिस प्रकार से देश पिछड़ा है, उसको एक नए परिवर्तन की आवश्यकता है, और वही युवाओं ने यहाँ पर इस दौड़ में सम्मिलित होकर ये विश्वास दिलाया है कि हम देश के लिए मतदान करेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, एक देखा जा रहा है कि एनसीपी आप पार्टी के बीच में बहुत एक घमासान जैसा, एक कल लड़ाई हुई झड़प, इस पे आपका एक क्या कहना है? हमारा इतना ही कहना है कि राजनीति का स्तर, ये सब लोगों ने मिलकर उसको रखना चाहिए, राजनीति एक स्तर के नीचे न जाए, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।